मैं इस विषय में रखा सी कि भाई वैल्यू एजुकेशन का की महत्व है और वैल्यू एजुकेशन क्यों शुरू की गई पंजाब टेक्निकल यूनिवर्सिटी विच, तो उसका एक ही बिंदु सब तो ज़्यादा महत्वपूर्ण सी कि अज के समय में ऐसा लगता है कि विद्यार्थियों कॉलेज के एडमिशन तो बाद भी ये स्पष्ट नहीं होता कि भी असी अपने जीवन के अंदर किस दिशा में जाना, और केवल विद्यार्थियों को नहीं स्पष्ट होता कॉलेज के आने तो बाद, कॉलेज तो निकलने तो बाद भी नहीं सब स्पष्ट होता, और समाज के अंदर ज़्यादातर लोगों काम करते हुए नौकरी करते हुए भी बस यही लगता है कि जिवें गड्डी जिहड़ी है धक्के नाल ही रिड़दी पई है, ऐसा नहीं लगता कि भी असी कोई ड्राइविंग सीट पर बैठे हैं, और ऐसा लगता है कि भाई बस बैठे हैं कोई होर ड्राइव कर रहा है कोई होर धक्का मार रहा है और चल रहे हैं, और ये करके जीवन भर आनंद का सुख का संतुष्टि का समृद्धि का ऐसा अनुभव नहीं हो पाता। तो ये जो समय है विद्यार्थी जीवन और खास करके कॉलेज विद्यार्थी जीवन ये सब तो ज़्यादा महत्वपूर्ण है, और इस विषय के अंदर अपने जीवन की दिशा की हो ए बारे च कुछ स्पष्टता हो सके कुछ समझदारी बच सके ए अगर कोई कोर्स शुरू किया जा सकता है तो वह करना चाहिए, तो उस दौरान ऐसे खोज विच बागड़िया जी नाल परिचय होया बाकी लोगों नाल गौर साहब नाल परिचय होया तो ध्यान चाहिए कि भाई ट्रिपल आई टी हैदराबाद यूपी टेक्निकल यूनिवर्सिटी में एक कोर्स चल रहा है और इतने भी शुरू किया जाए कि कॉलेज लैवल से यूनिवर्सिटी लैवल से कुछ ऐसी कोशिश हो सकती है कि जिदे असी उन्होंने थोड़ी जी मदद कर सकीए अपने जीवन की दिशा निर्धारित करन विच, और किस तरीके नाल सोसाइटी दे विच जो चैलेंजेस ने उन्हां चो अपनी भागीदारी कर सकते, और इस कोर्स नूं लागू करन दा निश्चय किया यूनिवर्सिटी की टीम ने, और उहदे च काफ़ी अच्छा सहयोग सारे कॉलेजेस वालों मिले। एजुकेशन का रोल सोसाइटी लीड करना है, एजुकेशन का रोल एक उस तरह की सोसाइटी डिवेलप करना है जिसकी जिम्मेवारी वाली भावना हो, एजुकेशन समाज में सिरजती है, इस करके सारिया यूनिवर्सिटीज़ में सारे ऑर्गेनाइजेशन ये वाल सब तो वह ध्यान देने की जरूरत है। सानू अज की सोसाइटी में प्रोफेशनल्स कल्ले नहीं चाहिए, सानू जिम्मेवार प्रोफेशनल्स चाहिए, अज सानू नॉलेजेबल परसनस नहीं चाहिए, अज सानू वाइज परसन चाहिए, सियाने बंदे चाहिए है जिहड़े सोसाइटी दीआं लोड़ां नूं समझ सकन ते उहदे मुताबक काम कर सकन, और उहदे लई जरूरी है कि उहनां च ह्यूमन वैल्यूज होण, इस एजुकेशन तो भली भांत जाणू होण उहनां दे शरीर के उन्होंने कल्चर उन्हें सुभा के सारिया गल् पार, ये सोसाइटी साड़ी है, ये उन्होंने रिलाइज होना भी साड़ी है सोसाइटी, इनू ठीक करना भी साड़ा काम, और जिनी छेती अवेयरनैस आ जाएगी सोसाइटी ठीक होने बहुत टाइम नहीं लगता। वो वैल्यूज अपने बच्चों के उत्पन्न करने वास्ते, वो वैल्यूज साड़ी टैक्नीकल एजुकेशन के नाल इनकलकेट करने वास्ते यह बहुत जरूरी सी कि असी ह्यूमन वैल्यूज़ के उपर यूनिवर्सिटी बनियो कोई काम किया जाए, उस तरह का कोई विशा बच्चों पढ़ाया जाए ता कि अपनी टैक्निकल एजुकेशन के नाल नाल उन्होंने जिहड़ियां मॉरल वैल्यूज़ है वो भी ऐड हो, उस चीज़ में एक चैलेंज लेंदे हुए उसनों एक चैलेंज मानते हुए पंजाब टैक्निकल यूनिवर्सिटी ने यह फैसला किया कि असी जो वैल्यू एजुकेशन है उसनू सही तरीके दे नाल इंप्लीमेंट करने वास्ते यूनिवर्सिटी के वैल्यू एजुकेशन सैल स्थापित करांगे, तो वह सही तरीके जी वैल्यू एजुकेशन है वह साढ़े स्टूडेंट को देवे। यूनिवर्सिटी लैवल से पहला ये फैसला लिया कि इस विषय को लागू करने तो पहला यूनिवर्सिटी विखे वैल्यू एजुकेशन सैल स्थापित करके और उस तो उपरंत जिन्हें अध्यापकों की लोड़ है उन्होंने लोड़ी ट्रेनिंग मुहैया कराने के उपरंत ही जोड़ा ये सबजैक्ट है वह बच्चों को पढ़ा शुरू करा, तो उस मिशन के अंडर जो डिफरेंट स्टेजस के उपर प्लानिंग की पहला चेयरमैनस वास्ते डायरैक्टर्स वास्ते कुछ वर्कशॉप्स जिहड़ियां एक दिन या दो दिन दियां सीगियां वो अरेंज कीतियां गईयां जिहदे च हर एक कॉलेज दे विच हर एक अध्यापक नूं हर एक प्रिंसीपल नूं डायरैक्टर नूं उत्थों दी मैनेजमेंट नूं इस वैल्यू एजुकेशन दे बारे
चेतन किया गया ये बारे दसया गया कि वैल्यू एजुकेशन की चीज़ है और यू असी अपने बच्चों क्यों पढ़ा चाहते हैं। तो उस वर्कशॉप तो बाद फिर डिसाइड किया कि जो टीचर ये वाला विषय पढ़ाएंगे उन्होंने सिलैक्शन किस तरह की जाए तो उन्होंने ट्रेनिंग किदा की जाए। तो सब तो पहले गाइडलाइनस फिक्स की कि वैल्यू एजुकेशन का सबजैक्ट पढ़ाने वास्ते किस तरह के टीचर की लोड़ है वो अकॉर्डिंगली हर एक कॉलेज के दो दो या तीन तीन जिहड़े अध्यापक है वो सिलैक्ट किए गए वैल्यू एजुकेशन का विषय पढ़ाने वास्ते और उन्होंने सिलैक्शन के उपरंत रीजनल वाइज हर एक एरिए दे विच दो दो तीन तीन चार चार अठ अठ दिन जिहड़ियां वर्कशॉप्स अरेंज की गई ताकि वह टीचर्स नूं पहला ट्रेन किया जाए वैल्यू एजुकेशन के बारे और उन्होंने ये दस्या जाए कि यह वैल्यू एजुकेशन का विषय पढ़ाने वास्ते बच्चों नूं वैल्यूएट किस तरह करना है और उन्होंने ये एजुकेशन किस तरह मुहैया करवानी है। और उस दे नाल नाल ही जो एक होर काम किया गया जिहदे च इस सबजैक्ट के नाल संबंधित एक बोर्ड ऑफ स्टडीज़ बनाया गया जिहदे वल्लों इस विषय लई जो निर्धारित सिलेबस चाहिदा सी जो निर्धारित कंटेंट्स चाहिए सी वो डिसाइड किए गए और उहदे नाल नाल इस विषय नूं पढ़ाउण वास्ते किन्ने समय की लोड़ सी किस तरह की प्रैक्टिकल ट्रेनिंग चाहिए सी किस तरह की थेरेटिकल ट्रेनिंग चाहिए सी वो सारिया जिहड़िया रूल्स एंड रेगुलेशन फ्रेम की गई और उहदे नाल नाल ही अध्यापकों की ट्रेनिंग की गई। और ट्रेनिंग के उपरंत जदों ये विशा असी एज ए क्रेडिट कोर्स ही ऐड किया गया आलमोस्ट सारिया स्ट्रीम के इंजीनियरिंग दूरी स्ट्रीम के ग्रेजुएशन पद्धर से पूरे दिन के तीन सैशन रहने वाले हैं और सारे सैशनस असी कोशिश ये करनी है कि इनफॉर्मल रखिए इसीलिए असी इस सारे सैशन नीचे कॉन्फ्रेंस हॉल नहीं रखे क्योंकि उत्थे काफ़ी कुछ फॉरमैलिटिया वाले हो जाते तो इसमें असं बिल्कुल इनफॉर्मल रख रहे हैं। और पहला सैशन जोड़ा है उसके अंदर बाबा बंदा सिंह बहादुर कॉलेज के अंदर जो सा एक्सपैरीमेंट चल रहा है दो साल पहला PTU ने वैल्यू एजुकेशन के अंदर अपनी यात्रा शुरू की थी। उस दो साल दे विच बहुत सारे कॉलेजेस ने बहुत अच्छा काम किया बहुत सारे बच्चों ने बहुत सारे टीचर्स ने काफ़ी अच्छी प्रैक्टिस की है। उन्होंने सारे कॉलेजेस दे विचों बाबा बंदा सिंह बहादुर इंजीनियरिंग कॉलेज फतेहगढ़ साहब का जोड़ा यतन है वह काफ़ी सलाघा योग है। सो असी पहला जोड़ा जो सैशन रखिया वो बाबा बंदा सिंह बहादुर कॉलेज की फैकल्टी मैंबरस डॉक्टर गगन डॉक्टर उपल और प्रोफेसर संजीव जी डॉक्टर चरणदीप जी और बाकी बच्चे साढ़े नाल हैगे ने वो अपना शेयर करेंगे। 9 to 11 इस सैशन की प्लैनिंग सी। इस तो बाद दो सैशन होर होंगे एक इस तो बाद पोस्ट टी सैशन होएगा जिसके अंदर असी जो सा कुछ होर फैकल्टी मैंबरस और कुछ प्रोमीनेंट लोग ने उन्होंने असी शेयरिंग लवेंगे। तो लास्ट के तीनों सैशन के जोड़े पार्टीसपेंट्स उन्होंने मिला के असी एक ज्वाइंट सैशन लवेंगे जिद काफ़ी कॉलेज के डायरेक्टर्स प्रिंसिपल्स और कुछ होर फैकल्टी मैंबर सू ज्वाइन करेंगे। इस सबजैक्ट बारे में एक होर चीज़ फील करता कि जिम्मे हम दलवीर ने भी एथिकल एक्ट नैटवर्क डिफेंस असी मोहाली च रीट्रेनिंग की है सैकेंड ईयर तो बाद जी 6 weeks की ट्रेनिंग होंगी है मैं कि चीज़ दसूगी कि मैं एथिकल हैकिंग कि मेरे को एड्डा वड्डा टूल है कि मैं गवर्नमेंट्स तक न फॉल करा सकता जे मैं चंगी तरह स्टडी करा तो मैं जे गवर्नमेंट से सीक्रेट जिदा कि हूँ एडवर्ड स्नोडन एंड विकीलीक्स का जिदा हो रहा है हाँ जी मैनू कि चीज़ दसूगी कि मैं उहदे नाल गलत काम करा कि मैं किसी की इनफोरमेशन इदा चोरी करा तो लोगों जिदा वंडा कि मैं सोसायटी लिए कोई काम करा मैं कि चीज़ दसूगी मैं कहना वैल्यू एडुकेशन उही चीज़ आ। सब तो पहले जिदा सानू एग्जाम्पल यही देकर शुरू की जाएगी कि कोई मैकेनिकल इंजीनियर आ वो गड्डी बनाने तो सीखता है सानू इंजीनियरिंग कॉलेज ज़्यादातर यही हूँ कि सानू सिखा देंगे कि गड्डी किदा बनानी है कोई ए नहीं दसता भी कि गड्डी बनानी है कोई यही दसता सब तो माइलेज वाली बनानी है सब तो सस्ती बनानी है कोई कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट व्हीकल नूं वधिया करना ताकि हरेक बंदा भी ऐ ना होवे कि हरेक अपनी अपनी गड्डी लैके जाए ये चीज़ा कौन कि चीज़ सिखाउंदी है मैं लगता है वैल्यू एडुकेशन ही चीज़ सिखाउंदी है। तो होर बहुत एग्जाम्पल्स ने जिदा कि रैपर की एग्जाम्पल सी असी साडे कॉलेज थोड़े सानू लगता सीगा कि डस्टबिन घट ने हाँ ओरन टैप वाले भी एग्जाम्पल है कि एक्चुअली असी साडी ट्रेनिंग सी तो उत्थे ना एक ड्यूटी असी एक्चुअली रात तक बहुत देर तक जागते रहते उदो कोई वर्कलोड नहीं हुंदा साडी जिहड़ी फर्स्ट ईयर तो बाद ट्रेनिंग हुंदी है कुछ बहुत वर्कलोड नहीं होंगे मोस्टली PDP क्लासेस होंगे तो थोड़ी जी डिपार्टमेंटल लैब्स होंगे ने तो असं थोड़े फ्री होंगे कि रात में बहुत देर तक जागते रहते गल्लां करते रहना कुछ खेल लेना इदा कुछ ना कुछ करते रहना। एक रात की गल दस रहा कि टूटी एक बहुत लीक हो रही थी वॉशरूम से तो यूजली कौन ध्यान देता है मतलब लोग तो बंद भी नहीं करके जाते तो असं यह तो चलो आदत पाई हुई है कि मतलब सारा कुछ बंद रखना सारा कुछ साफ रखना आपस का वो टूटी बहुत लीक हो रही थी उस दिन
ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੇ ਹਰਮੀਤ ਸੁਣੀ ਜਾਂਦੇ, ਦਲਵੀਰ ਵੀ ਸੀ ਉਸ ਦਿਨ, ਤੇ ਉਹ ਲੀਕ ਹੋ ਜਾ ਰਹੀ ਅਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਨੇ ਵੀ ਜਾਈਏ ਯਾਰ, ਜਾ ਕੇ ਕੌਣ ਉੱਠ ਕੇ ਬੰਦ ਕਰਦੇ, ਥੋੜ੍ਹੀ ਲੇਜ਼ੀਨੈਸ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਕੌਣ ਜਾਊਗਾ, ਪਰ ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸਾਨੂੰ, ਅੱਧਾ ਪੌਣਾ ਘੰਟਾ ਲੱਗਾ ਹੋਣਾ ਵੀ ਖੈਨੋ ਸਟੂਡੀਓ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਦੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਸ਼ਰਟ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਪਾੜ ਕੇ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਆਏ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਲਾਈਫ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਬੜਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮਤਲਬ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਹੀ ਅਸਲੀ ਮੀਨਿੰਗ ਆਫ ਲਾਈਫ ਆ। ਵਾਟਰ ਕੰਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਲੈਕਚਰ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਦੇ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਰੀਅਲ ਲਾਈਫ 'ਚ ਜੋ ਕਰਦੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਮੈਟਰ ਤਾਂ ਉਹੀ ਕਰਦਾ ਆ। ਦੂਸਰਾ, ਬੱਚੇ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਵੱਡੇ ਹੁੰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਹਿਊਮਨ ਵੈਲਿਊ 'ਚ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਵੀ ਬੜੀ ਵੱਧਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਫੀਡ ਕਰਨਾ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੇ, ਹੁਣ ਇਹ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਡੂੰਘੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਹਿਊਮਨ ਵੈਲਿਊ ਦੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਗਗਨ ਸਰ ਬੈਠੇ ਸੀ ਅਤੇ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਸਵਾਲ, ਦੋ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਪੁੱਛੇ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਨਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਨਾ ਆਉਂਦੇ। ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਸੀ ਕਿ ਤੂੰ ਪੜ੍ਹਦਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਆਉਂਦਾ ਜੀ ਮੇਰਾ ਇੰਟਰਸਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਰ ਕੋਈ ਹੈ ਤਰੀਕਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਾਈ 'ਚ ਇੰਟਰਸਟ ਬਣੇ? ਅਤੇ ਜੇ ਹਿਊਮਨ ਵੈਲਿਊ ਨਾ ਪੜ੍ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਹੀ ਖੜੀਆਂ ਸੀ। ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨੂੰ ਬੁੱਕ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ, ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਲਾ। ਦੂਸਰਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਸਟੂਡੈਂਟ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਬੰਗਲੌਰ 'ਚ ਸੈੱਟ ਹੈ, ਪੁਨੀਤ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੀ ਬਹੁਤ ਤਕੜੀ ਕੰਪਨੀ 'ਚ ਅਤੇ ਬੜਾ ਮੈਂ ਪੈਸਾ ਕਮਾਇਆ, ਸਰ ਕੰਪਿਊਟਰ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਬੋਰੀਅਤ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਈ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਫਸੀ ਫਸੀ ਲੱਗਦੀ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹਿਊਮਨ ਵੈਲਿਊ 'ਚ ਦੇ ਪਾਏ, ਜੇ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਦੋਨਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਸਹਿਤ ਜਵਾਬ ਨਾ ਦੇ ਪਾਉਂਦੇ।